इसी के साथ रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी हो सकती है अधिसूचना। आरक्षण सूची दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने की तैयारी। मुख्य सचिव के सामने आरक्षण का हुआ था प्रेजेंटेशन, सीएम के सामने प्रेजेंटेशन के बाद सूची जारी की जाएगी। निकाय चुनाव को दो चरणों में कराने की तैयारी है। निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी तक कराने हैं चुनाव। तो बड़ी खबर आपको हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी हो सकती है अधिसूचना। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और 8 जनवरी तक, 8 जनवरी से पहले जो है निकाय चुनाव कराने ही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, साफ तौर पर चुनाव आयोग जो हमारी बात की थी उसको लेकर के ये था कि पहले जो चुनाव थे उपचुनाव को पहले निपटाना, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव की बारी थी। तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगभग अधिसूचना जारी हो जाएगी और जनवरी में ये चुनाव हो जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि तब तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम लगी हुई है कि स्थानीय निकाय चुनाव पे भी अपने आप दबदबा कायम रखा जाए और पूरी तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा कर ली गई है। जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, जबकि चुनाव की जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जी, तो कुल मिलाकर कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कब निकाय चुनाव होने हैं, कौन सी वो तारीख होगी, और इस बार बताया जा रहा है कि दो चरणों में चुनाव होंगे। देखिए, 2 से 3 चरणों में चुनाव होना प्रस्तावित किया गया है अश्विता। अभी चरण इसलिए नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और 15 दिसंबर के बाद अधिसूचना लगने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल जो शुरुआत के दो हफ्ते हैं, दिसंबर के शुरुआत के दो हफ्ते बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और संभवतः जनवरी में चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहां निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जो है अधिसूचना जारी हो सकती है।